हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम महिला सुपरवाइजर के लिए, महिला पर्यवेक्षक के लिए जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है विभाग की राज्य मद की योजनाएं, और उसके अंतर्गत हम आज कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लें और उसके बाद में हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सिलेबस को देख रहे हो तो सिलेबस में हमारी क्लियरली मेंशन है विभाग के राज्य मद की योजनाएं, इसके अंतर्गत हमने नोनी सुरक्षा योजना को कर लिया है। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना, सक्षम योजना, महिला स्वयं सहायता समूह एवं नारी निकेतन, महिला जागृति शिविर, नवा बिहान योजना, दिशा दर्शन एवं भ्रमण। तो ये जो टॉपिक हमारे दिए गए हैं इस पर हम आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नमः शिवाय, और जो कोई भी चैनल में आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर हम सेशन को अपनी स्टार्ट करें मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से। यदि हम कन्या विवाह योजना, तो हमें ना नाम से पता चल रहा है कि ये ना कन्याओं के विवाह से संबंधित योजना है। जी हाँ, बिल्कुल, कन्या के विवाह से संबंधित ये योजना तो है, लेकिन इसका उद्देश्य सबसे पहले यदि हमारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि नाम दे दिया जाता है योजना का और पूछा जाता है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो हमें नाम से पता चला कि कन्याओं का विवाह का प्रोत्साहन होगा। लेकिन आपको पता है विवाह के अंतर्गत क्या होता है कि बहुत ज्यादा एकदम मतलब कि हम इतने लेवल की शादी करेंगे, है ना, तो वो लेवल को मतलब कि ऑन एन एवरेज लेवल में लाने का समथिंग कुछ उद्देश्य है। जैसे कि आप समझो इस बात को, जैसे कि विवाह में क्या होता है आपको पता है, बहुत सारी फिजूल खर्ची ये सब होता है, तो फिजूल खर्ची को रोकेंगे इस योजना के तहत। अच्छा, फिजूल खर्ची को रोकेंगे, साथ ही साथ ना सामूहिक विवाहों को प्रोत्साहन देंगे कि सामूहिक विवाह करवाए जाए, और क्या करेंगे, जैसे कि दहेज की लेन देन हो रही है, ले रहे हैं दे रहे हैं, उसको रोकने का भी एक तरीके से इस योजना के अंतर्गत प्रयास किया गया है। जब फिजूल खर्ची को ये रोक रहे हैं, यानी कि सादगी से आप विवाह कर लो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो इस तरीके के आपको क्या याद रखना है, सादगी से विवाह, फिजूल खर्ची को रोकना, सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन। क्या होता है जब सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन मिलता है ना, तो जो गरीब परिवार है तो उनके भी आत्मसम्मान में वृद्धि होती है, उनको भी मनोबल मिलता है ना, तो इसीलिए सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित कर रहे हैं। दहेज की लेन देन को रोक रहे हैं ये, कि कोई ना दहेज लेना ना देना, विवाह संपन्न हो गया, ठीक है। तो देख लेते हैं हम एग्जैक्टली लिखा क्या है, ये हमने तो एक बार अपने मतलब सिंपली एक बार इसको समझा बस है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य हम पहले डिस्कस करेंगे क्योंकि डायरेक्टली हमारे एग्जाम में ये ऐसे पूछा जाता है। तो क्या है, चलो आओ देखें। तो इसका उद्देश्य है गरीब परिवारों को कन्या के विवाह में होने वाले, क्या लिखा है, कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों का निवारण करेंगे। तो पहला उद्देश्य क्या, आर्थिक कठिनाइयों का निवारण। दूसरा क्या है, विवाह के अवसर पर फिजूल खर्ची को रोकना, ये दूसरा उद्देश्य हो गया। सादगी पूर्ण विवाह को बढ़ावा देना, ठीक है। फिर क्या है, सामूहिक विवाहों के आयोजन के माध्यम से गरीब परिवारों के मनोबल आत्मसम्मान में वृद्धि करना, ठीक है, और क्या करना, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाना, सामूहिक विवाहों का प्रोत्साहन करना, विवाहों में दहेज की लेन देन को रोकना या फिर दहेज की लेन देन की रोकथाम। तो ये जो है हमने क्या किया, हमने डिवाइड कर दिया और हमने याद कर लिया, ये 7 पॉइंट में हमने उद्देश्य देख लिया, बिल्कुल ठीक है क्या। आगे बढ़े हम लोग, इसके अंतर्गत होता क्या है, तो समझना इस बात को, है ना, हम समझते हैं इसको, इसके अंतर्गत होता क्या है। तो इस योजना के अंतर्गत होता है कि परिवार के 2 बच्चियों का विवाह इस योजना में करवाया जाता है। तो ये 2 बच्चियां कौन है, जो 18 वर्ष की हो चुकी हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो ये परिवार कौन से हैं, 2 बच्चियां 18 वर्ष की हो गई, तो किस परिवार की ये बच्चियां हैं,
तो जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं यानी कि जो बीपीएल है, अच्छा और क्या है, जो मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत जिनके पास ना कार्ड है वो परिवार आएंगे, बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंतर्गत और कौन सी बच्चियां आती हैं, तो 18 वर्ष से अधिक की बच्चियां आएंगी, तो चाहे वो क्या हो, चाहे वो विधवा, अनाथ, निराश्रित कन्याएं, ये बच्चियां भी इसके अंतर्गत आ गई। बातें क्लियर है क्या आपको? हमने क्या पढ़ा, 2 बच्चियों का विवाह करवाएंगे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत। तो कौन सी बच्ची है वो, 18 वर्ष से जो अधिक हो जाती वो। तो परिवार कौन से, तो परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और जो मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत जिनके पास में कार्ड है। और कौन सी बच्चियां हैं ये जो 18 वर्ष से ऊपर की हो गई है, तो उसमें यदि विधवा, अनाथ और निराश्रित कन्याएं है ना, ये भी ये योजना का लाभ उठा लेंगी, ठीक है। तो इस योजना के अंतर्गत कुल मिलाकर ये किए क्या, तो कुल मिलाकर के ये क्या करते हैं, 25,000 रुपए खर्च करते हैं एक कन्या के ऊपर, एक कन्या के विवाह में ये 25,000 रुपए खर्च करेंगे। अब इस 25,000 को ये बांटते कैसे आपको पता है, ये बांटते हैं 19,000 और बांटते हैं 1,000 और बांटते हैं ये 5,000, कितना हो गया, 25 हो गया। ये जो आपका 19,000 है इसको ये 2 भागों में विभक्त किए हैं, क्या क्या बोलते हैं, इस 19,000 रुपए में 5,000 रुपए ये क्या करते हैं, वर वधु का जो श्रृंगार होता है ना उस सामग्री में देते हैं, वर वधु की श्रृंगार की सामग्री खरीदने में, क्योंकि ये 19,000 रुपए जो है ये सामग्री के लिए है, ये किसके लिए है, सामग्री के लिए है, ठीक है। तो ये श्रृंगार सामग्री में 5,000 रुपए दे दिए। जो ये 14,000 जो बचा हुआ है उसको ये उपहार ये सब दिया जाता है ना, तो उपहार में ये खर्च कर रहे हैं। ये जो 1,000 रुपए है, 1,000 में ये ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट में खर्च करते हैं, तो हम बैंक ड्राफ्ट लिख देते हैं, बैंक ड्राफ्ट में के रूप में दे देंगे ये। और ये जो 5,000 है, तो सामूहिक विवाह करवा रहे तो खर्च भी तो आता है ना सामूहिक विवाह के व्यवस्था ये सब में, तो क्या करते हैं, तो 5,000 रुपए सामूहिक विवाह के खर्च में ये क्या करते हैं, लगा देते हैं। कुल मिलाकर के 25,000 रुपए इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, प्रति कन्या 25,000, 19,000 का ये क्या करते हैं, सामग्री में खर्च करते हैं, सामग्री को ये बांटे हैं, 5,000 श्रृंगार सामग्री वर वधु, 14,000 उपहार में देंगे, 1,000 बैंक ड्राफ्ट के रूप में देते हैं, 5,000 ये सामूहिक विवाह की व्यवस्था में खर्च कर देते हैं। बातें क्लियर है क्या आपको यहाँ पे? तो जो मैंने यहाँ पे इतनी बातें समझाई हैं, ये वही लिखा है, 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए आयु और 2 कन्याएं होंगी, और जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं वो आएंगे, और मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत जो कार्डधारी हैं वो परिवार इसका लाभ उठाएंगे, और विधवा, अनाथ, निराश्रित कन्याएं भी इस योजना में शामिल हो जाएंगी। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि 19,000 रुपए खर्च करते हैं आर्थिक सहायता सामग्री में, 5,000 रुपए श्रृंगार सामग्री, 14,000 रुपए उपहार सामग्री, 1,000 रुपए बैंक ड्राफ्ट और 5,000 रुपए सामूहिक विवाह आयोजन व्यवस्था के अंतर्गत ये खर्च करते हैं, यानी कि कन्या के विवाह में प्रत्येक कन्या में 25,000 की राशि ये खर्च करते हैं। और यही बातें तो मैंने आपको यहाँ पे बता दी, क्लियर है क्या ये टॉपिक? चलो आगे बढ़ जाए। ये डेटा दिया है कि कितने कन्याओं का विवाह संपन्न करवाए हैं, ये उतना आपसे पूछा नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कि ये पूछ लिए कि कितना बजट का प्रावधान रहा, तो 19 करोड़ का प्रावधान ये बजट में दिए थे कि इस योजना में हम 19 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये टॉपिक हमारा हो गया। फिर उसके बाद में कौशल्या मातृत्व सहायता योजना है, तो अपने को नाम से क्या पता चल रहा है, मातृत्व सहायता योजना, मातृत्व सहायता योजना, तो यानी कि कुछ माता से संबंधित है क्या, माता से संबंधित, माता यानी कि संतान तो होगी उसके अंतर्गत, तो आओ देख लेते हैं। पहली बात, ये जो योजना है
कौशल्या मातृत्व सहायता योजना, ये पूछा जाएगा किसके द्वारा प्रारंभ की गई, तो हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री के द्वारा ये प्रारंभ की गई, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा भूपेश बघेल जी के द्वारा कब प्रारंभ की गई, तो ये 7 मार्च को प्रारंभ की गई। किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो 2022 में प्रारंभ की गई। क्या क्या पढ़ा हमने कि कौशल्या मातृत्व सहायता योजना किसके द्वारा, तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा। कब, 7 मार्च को। किस वर्ष, 2022 में। क्लियर है। अब आओ उद्देश्य देख लें, क्योंकि उद्देश्य भी पूछा जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र महिला हितग्राही, यानी कि जो सोशियो इकोनॉमिक जो क्या बोलते हैं जनगणना हुई थी, ठीक है, सामाजिक आर्थिक जनगणना, यानी कि जो 2011 वाली के आधार पर, ठीक है, उस जनगणना के आधार पर जो भी महिलाएं आती हैं, तो जो हितग्राही है उसमें क्या करेंगे, ये जो उनकी जो दूसरी संतान होगी, और वो यदि बालिका हो गई, दूसरी संतान यदि बालिका है, तो उसकी जन्म पर सहायता प्रदान करेंगे। तो होगा क्या, ताकि महिलाएं बच्चे के जन्म के बाद पर्याप्त विश्राम कर सकें, माताएं स्वयं एवं बालिकाओं के उत्तम स्वास्थ्य हेतु पर्याप्त ध्यान दे सके, बालिका भ्रूण हत्या रोकने और बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच विकसित की जा सके, साथ ही गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना इस योजना का उद्देश्य है। यानी कि हमने क्या समझा, हमने ये समझा क्या होता है, जैसे कि लड़की हो गई, लड़की हो गई, पहली संतान यदि लड़की हो गई, तो पहली बात बहुत बहुत सारे परिवारों में लड़कियों को नहीं मानते, ठीक है। तो अब मान लो पहली संतान तो चाहे जो भी हो, लेकिन अब दूसरे में भी लड़की हो गई, तो लोगों का क्या हो जाता है, अरे दूसरी तो दूसरी भी लड़की हो गई। जी नहीं, इसमें क्या करेंगे, यदि आपकी दूसरी संतान यदि बालिका है, तो आप इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकते हो। तो ये क्यों कुल मिलाकर के कर रहे हैं, जिससे बालिका भ्रूण हत्या रोकी जा सके। बालिका यदि जन्म ले रही है, तो आपका विचार, आपकी सोच सकारात्मक बने, ठीक है, आप भ्रूण हत्या ना करें, आप बालिकाओं के उत्तम स्वास्थ्य के आप उनके स्वास्थ्य में पर्याप्त ध्यान दें, ये है इनका उद्देश्य, इसलिए ये चालू किए हैं। तो लाभ भी तो कुछ दे रहे होंगे ना, क्या दे रहे हैं आओ देख लें। तो बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने तथा बालिका भ्रूण हत्या को रोकने हेतु सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र परिवारों की माताओं को दिनांक 1 जनवरी 2022 के उपरांत, ये प्रारंभ तो हुई 7 मार्च को, लेकिन बोले कि 1 जनवरी के बाद ही जिन जिन बच्चियों का जन्म हुआ है, उपरांत जन्म लेने वाली द्वितीय संतान बालिका हेतु ₹5,000 की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है। यानी कि ये बच्ची को देख रहे हैं आप गोद में, तो यदि ये संतान बालिका दूसरी है, तो ₹5,000 दे देंगे, ठीक है। फिर उपलब्धि बताए हैं कितना क्या है, जो कि आपसे उतना नहीं पूछेंगे, ये है ना, ये इसका ये उतना आएगा नहीं, लेकिन एक बार पढ़ना है तो पढ़ लो कि कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत नवंबर 2022 तक 1171 हितग्राहियों की जानकारी ऑनलाइन संचारित सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट की जा चुकी, नहीं पूछेंगे। योजना के अंतर्गत 17 करोड़ का बजट प्रावधान है, 17 करोड़ का बजट प्रावधान है, और संबंधित हितग्राहियों को अब तक कुल राशि बताया गया है, ठीक है, 58,55,000 का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया गया, यानी कि सीधे बैंक अकाउंट में पैसे देते हैं। यहाँ पे पूछा जा सकता है पैसे कैसे मिलते हैं, तो सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, DBT, ठीक है, डायरेक्ट DBT, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर इसका मतलब होता है, ठीक है।
तो वहां से डायरेक्टली आप निकाल लो, तो आपने पढ़ा क्या, आपने ये पढ़ा इसका उद्देश्य क्या है, बालिका भ्रूण हत्या करों के बच्चियों के यानी कि बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच रखें, तो इसीलिए बोले 1 जनवरी 2022 के बाद में यदि द्वितीय संतान आपकी बालिका है और आप सामाजिक आर्थिक जनगणना में आप पात्र महिला हैं, तो आपको हम 1 मुश्त 5,000 रुपए इस योजना के तहत, मैंने कुछ ज्यादा ही नहीं लिख दिया यहाँ पे राशि, तो 1 मुश्त हम 5,000 रुपए आपको दे देंगे। बातें क्लियर है क्या? बिल्कुल ठीक है। तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया? अब तक हमने देखा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और हमने देखा कौशल्या मातृत्व सहायता योजना, ठीक है। अब आता है महिला जागृति शिविर। अभी महिला जागृति शिविर क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो महिला जागृति शिविर का उद्देश्य महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों प्रावधानों के प्रति जागृत करना, विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध महिलाओं को जागृत व संगठित करना तथा विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना है। तो क्या क्या पढ़े हम इस जागृति शिविर का उद्देश्य क्या है? बस ऐसे समझो, जागृति मतलब जागना, तो जागना मतलब कैसा जागना कि सुनो आपके अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार क्या है, ठीक है, क्या क्या प्रावधान है, सामाजिक कुप्रथाएं कैसे फैली हैं उसके विरुद्ध जागो, फिर उसके बाद विभिन्न योजनाओं की जानकारी देंगे और उनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करेंगे महिला जागृति शिविर में। विभाग द्वारा इस हेतु प्रदेश की ग्राम पंचायतों जनपद एवं जिला स्तर पर समय समय पर महिला जागृति शिविरों का आयोजन किया जाता है। विभिन्न स्तरों पर महिला जागृति शिविरों का आयोजन किए जाने हेतु जिलों को आवंटन प्रदाय किया गया है और वित्तीय वर्ष ये बताया गया, बजट का प्रावधान बताया गया। नहीं पूछेंगे ये नहीं, ये डायरेक्टली ये यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके। तो कुल मिलाकर के जागृति शिविर को समझ गए कि आप लोग उनको उनके अधिकार के प्रति जागृत करेंगे, आपको क्या कानूनी अधिकार है, क्या प्रावधान है, क्या योजनाएं हैं और आओ उसका लाभ लो, ठीक है। तो ये किस स्तर पर होता है ये पूछा जा सकता है, कहाँ कहाँ होता है? तो ग्राम पंचायत, क्या बोला गया, कहाँ कहाँ शिविर लगती है? ग्राम पंचायत, जनपद और जिला स्तर पर, ठीक, यहाँ शिविर लगाते और जागृत और महिलाओं को जगाते हैं, ऐसे समझो, ठीक है। तो महिला जागृति शिविर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम। तो ये क्या है? तो योजना के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों के सुदृढ़ीकरण हेतु उनकी क्षमता विकास के लिए दिशा दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत उपयुक्त स्थानों का अध्ययन भ्रमण कराया जाता है ताकि महिलाएं उनसे प्रेरणा लेकर इस अनुभव से सीखकर आयोपार्जन गतिविधियों में सम्मिलित हो सके। दिशा दर्शन कार्यक्रम वर्ष 2012-13 से संचालित किया जा रहा है और इसमें कितने लाभान्वित हुए हैं और बजट का प्रावधान लिखा है। आपसे पूछेंगे क्या दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? पहली बात तो ये बताओ, कौशल्या मातृत्व सहायता योजना, मातृत्व योजना कब प्रारंभ हुई? तो कौशल्या मातृत्व सहायता योजना 7 मार्च को प्रारंभ हुई, किस वर्ष 2022 में। इसके अंतर्गत कब से लाभ मिल रहा है? तो 1 जनवरी 2022 से मिल रहा है। किसको मिलता है? जिसकी द्वितीय संतान बालिका है। क्या लाभ देते हैं? 5,000 रुपए लाभ देते, एक मुश्त राशि। कैसे देते हैं? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, यानी कि सीधे बैंक अकाउंट में दे देते। इतना पढ़े ना, भूलना नहीं है, रिवीजन किए हैं हम लोग, ठीक है। अब बात आती है दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम। तो ये पहली बात, प्रारंभ कब हुआ? तो ये दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है 2012-13 में, ये प्रारंभ हो गया। तो दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम, भ्रमण मतलब घुमा रहे हैं। क्यों घुमा रहे हैं? जिससे आप जाओ सीखो और कैसे आप सीख करके आप भी वहां के अनुभवों के आधार पर आप कैसे
उसको आप आयोपार्जन की गतिविधियों में लगा सकते हो, यानी कि आप कैसे अच्छी, ये क्या है, स्व सहायता समूहों के सुदृढ़ीकरण हेतु है, ये महिला स्व सहायता समूहों के सुदृढ़ीकरण हेतु उनकी क्षमता विकास के लिए है, यानी कि कैपेबिलिटी डेवलपमेंट हो रहा है कि जाएंगे सीखेंगे और खुद भी वो चीज से उसके अनुभवों के आधार पर खुद भी उस पर कार्य करेंगे। बातें क्लियर है क्या? आगे बढ़े। अब आता है नवाभियान योजना। अभी नवाभियान योजना में क्या क्या आता है भाई, आओ देख लें। तो नवाभियान योजना के अंतर्गत आता है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। क्या हमने ये टॉपिक देखा है क्या? जी हाँ, हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आपने नहीं देखा है तो आप कहाँ से देख सकते हैं? आप देख सकते हैं महिला सुपरवाइजर नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर के आप ये क्लास को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये वाला टॉपिक डिस्कस कर लिया है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। ठीक है, तो आओ देखिए आगे पढ़े। नवाभियान योजना क्या है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन द्वारा नवाभियान योजना संचालित है। बिल्कुल ठीक है, प्रदेश के 27 जिलों में संचालित है। अब तो लेकिन 31 जिले हो गए, तो क्या बोल रहे हैं ये, नव गठित जिलों में 4 जिले क्रमशः शक्ति, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, सारंगढ़, बिलाईगढ़ में योजना संचालन हेतु नवाभियान सेल गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नव गठित जिलों में प्रक्रियाधीन है, बाकी 27 जिलों में संचालित है ये। ठीक है, फिर क्या है, योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में स्वतंत्र संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सहयोग के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर एवं एक वृत्त की सेवाएं संविदा पर ली गई हैं। ये देखेंगे फिर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवेदित पात्र 12 संस्थाओं को सेवा प्रदाताओं के रूप में अधिसूचित किया गया है और इस योजना के अंतर्गत पीड़ित महिला को आवश्यकता अनुसार विधिक सलाह, परामर्श, चिकित्सा सुविधा, परिवहन तथा आश्रय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान रखा गया है। अब बात समझो, इस योजना को समझो, नवाभियान, जैसे कि नया सवेरा हुआ, किसकी जिंदगी में नया सवेरा हुआ, उनकी ऐसी महिलाओं की जिंदगी में जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है। ठीक है, जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है, तो ये क्या करते हैं, उनको इस योजना के तहत में उनको विधिक सलाह देते हैं। विधिक सलाह, देखो ये विधियां हैं, ये कानूनी विधियां, ये ऐसा है, परामर्श देंगे, चिकित्सा देंगे, परिवहन देंगे आने जाने के लिए, और आश्रय सुविधा कि आओ ठीक है यहाँ पे रह लो, ठीक है, आश्रय सुविधा भी देंगे। तो ये क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में ये चल रहा है नवाभियान, और जो नवगठित जो जिले हैं वहां पे नवाभियान सेल गठन की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि वहां पे भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत होता क्या है, सुविधा तो दे रहे हैं, तो सुविधा के लिए जरूरी है ना कि संरक्षण अधिकारी हो, तो बिल्कुल, तो प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कर देते हैं। ठीक, उनकी सहायता के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर भी लगा देते हैं और एक वृत्ति को भी लगा देते हैं, लेकिन ये संविदा पर लिए हैं, संविदा पर बोले हैं, ठीक है, इस योजना के तहत है, क्योंकि ये बात इसलिए संविदा पर है। फिर क्या कहते हैं, ये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवेदित पात्र 12 संस्थाओं की सेवा प्रदाताओं के रूप में अधिसूचित किया गया है, यानी कि इस, ये जो घरेलू हिंसा, पहले इसको पढ़ लेना, जब तक पढ़ोगे नहीं, यदि नहीं पढ़े हो तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि संरक्षण अधिकारी इस अधिनियम के अंतर्गत आया है, जो कि प्रत्येक जिले में रहता है ये। अब पढ़ोगे तो जानोगे, है ना, बस इतना जानो, प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारी है, महिलाओं को सुविधा देंगे, कैसी, विधिक सलाह, परामर्श, चिकित्सा सुविधा, परिवहन और आश्रय सुविधा, ये है नवाभियान। यानी कि जो पहली बात पूछा गया, नवाभियान योजना के तहत किन महिलाओं को सुरक्षा दी जाती है, या फिर नवाभियान योजना के अंतर्गत कौन आता है, किस अधिनियम के अंतर्गत नवाभियान योजना क्रियान्वित है, ऐसा बोलेंगे,
तो आपको ये याद रखना है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। ठीक है, बातें क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब आता है शुचिता योजना। अब ये शुचिता योजना क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। शुचिता योजना को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए, तो पहले इसको रिवाइज करो, क्योंकि लगातार लगातार हमारी इतने सारे योजना है, उसको रिवाइज भी करना है हमें। ठीक है, तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, और फिर उसके बाद आज की क्लास को फिर एंड करते हैं। हमने स्टार्ट किया था मुख्यमंत्री कन्या विवाह से, जो कि मैंने आपको बता दिया था। फिर हम आ गए थे कौशल्या मातृत्व सहायता में। फिर हमने देखा महिला जागृति शिविर, जागो महिलाएं। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने देखा जागृति शिविर के अंदर उनको जगा रहे हैं, जो कि ग्राम पंचायत में, जनपद, जिला स्तर पर शिविर लगाते हैं ये। फिर उसके बाद में हमने देखा दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम, जो कि स्व सहायता समूहों की क्षमता विकास के लिए भ्रमण है। ठीक, फिर नवा अभियान योजना किस अधिनियम के अंतर्गत क्रियान्वित है, तो घरेलू हिंसा से महिलाओं की संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत में ये क्रियान्वित है। तो इसको यदि आप याद कर लेते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में शुचिता योजना को देखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। आपको यदि महिला सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल ऐप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप क्लिक करके आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके आप महिला पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में हमारी जितनी भी क्लास होती है उसके पीडीएफ को भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। रही बात इसके पीडीएफ की, तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन बहुत बार स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि लिंक से ओपन नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, टेलीग्राम में आप ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज टाइप कीजिएगा, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहां से आप डायरेक्टली इस जो मैं जहां से पढ़ा रही हूँ, प्रशासनिक प्रतिवेदन, इसकी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ठीक, बाकी जितने भी पीडीएफ है, जो भी है, वो आप हमारे मोबाइल ऐप से ले लीजिएगा। इसके लिए अधिक जानकारी यदि आपको चाहिए, तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, 9584532653290। ठीक, फिर से मैं बोलूंगी, 9584532690। अच्छे से लिख देती हूँ नंबर को, जिससे आप लोगों से कहीं पे भी मिस्टेक ना हो। यहाँ पे वाइट में लिख देती हूँ, जिससे कहीं पे गलती ना हो। ठीक है, तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, 9584532690। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रकार का, कोई भी आपको जानकारी यदि चाहिए तो। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को हम एंड करेंगे। आप सभी अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, ऐसी प्रार्थना है भगवान जी से। और आप सभी को नमः शिवाय, पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड्स, अपने परिवार, जो कोई भी महिला सुपरवाइजर, महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे वो भी इस फ्री क्लास का लाभ ले सके। ये क्लास क्या है, YouTube पर कम्प्लीटली फ्री है, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, अपने संगवारियों को भी इसका लाभ दीजिए, तो शेयर कर दीजिएगा। और सेशन को हम आज की क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए नमः शिवाय, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।